पेड़ पर बहुत सुंदर फूल और फल लगते थे। उसकी सुंदरता और संपन्नता के कारण बहुत सारे पक्षी उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहते थे। वृक्ष भी खुशी खुशी उन्हें आश्रय और भोजन देता था। आते जाते मुसाफिरों को वह शीतल छाया देता, जिसमें दो घड़ी रुककर वे अपनी थकान दूर कर लेते थे। पेड़ के आसपास हमेशा रौनक रहती थी और पेड़ को सभी की मदद करके गर्व भरा एहसास होता था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ पेड़ पर नए पत्ते और फल फूल आना कम हो गए। ऐसा होने पर पक्षियों ने पेड़ पर आना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि पेड़ पर अब हरियाली नहीं है और शाखाएं भी सूख गई हैं। छाया ना रहने पर मुसाफिरों ने भी वहां रुकना बंद कर दिया। पेड़ दुखी हो गया। वह सोचता कि उम्र भर मैं सभी की मदद करता रहा, किंतु मेरी वृद्धावस्था में सभी ने मुझे छोड़ दिया। एक दिन एक संत उधर से गुजरे। वे सिद्धि प्राप्त थे। उन्हें पेड़ के दुख का एहसास हुआ। उनके द्वारा पूछने पर पेड़ ने अपनी पीड़ा बयान की। आजीवन मुझसे पशु पक्षी लाभान्वित हुए, किंतु बुढ़ापे में सभी ने नजरें फेर ली और कुछ लोग तो मुझे काटने की बात कर रहे हैं। तब संत बोले, तुम अपने सोचने का तरीका बदल लो। जीवन भर सभी की सहायता करने वाले तुम मृत्यु के बाद भी लकड़ी के रूप में अनेक कार्यों में उनके काम आओगे। यह नई बात सोचकर पेड़ खुश हो गया और मन की इस खुशी से उसके तन पर पुनः हरियाली आ गई और उसकी रौनक पहले जैसी हो गई। कथा का सार यह है कि यदि सोचने का नजरिया बदल जाए तो न केवल समस्या हल होती है, बल्कि कई बार प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। सत्य या असत्य चुनिए। कहानी में आए उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही कथन चुनिए। कहानी को क्रम दीजिए।